रतन टाटा का हुआ निधन। अस्पताल में ली आखिरी सांस। जानिए क्या हुई थी बीमारी। दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन टाटा का देर रात निधन हो गया। ये खबर सुनकर करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्या होने के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें कि 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 7 अक्टूबर को कुछ परेशानी होने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। अब उनके निधन के बाद वो कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, ये सब जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। पहले आपको बता दें कि रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। टाटा समूह को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नई पहचान दिलाई, नया नाम दिलाया। आज टाटा ग्रुप की वो अहमियत है जो देश नहीं बल्कि दुनिया में जानी जाती है। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियां शामिल हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। बता दें कि टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक के ये नाम मौजूद है। समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं। इनका कुल कारोबार 300 अरब डॉलर का है। और बात करें रतन टाटा की संपत्ति के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। रतन टाटा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि सबसे बड़े दानवीर उन्हें कहा जाता था। जी हाँ, रतन टाटा एक ट्रस्ट के चेयरमैन थे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करते थे। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। बता दें कि दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का यह आंकड़ा आपको कम लग सकता है, और इसके पीछे की वजह बताएं तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता था। रतन टाटा अपनी दरिया दिली के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। देश के टॉप दानवीरों में उनका नाम शुमार था, जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया करते थे। बता दें कि ये दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फर्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% होता है। हर किसी के लिए वो मददगार थे, और 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप, हर समस्या के समय, हर संकट के समय रतन टाटा हमेशा लोगों के आगे खड़े रहे। न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों को भी वो हमेशा मदद देते रहे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता था जिनमें जेएन टाटा एंडोमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए उनको मदद दी जाती थी। तो आपको बता दें कि अब वो अपने पीछे करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।